दशहरा देखने चले सीगे, बाकी थोनों उत्थे जाके वीडियो दिखाने। देख लो रश बहुत है इत्थे, गड्डियां दी लैना ही आ। सुनी मैंने और अब मैं कुछ समय पश्चात अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लूंगा। भारत के उत्तर मध्य में एक विशाल और पिछले कई वर्षों से वर्षा न होने के कारण सूखा, अकाल और
चपेट में झूल रहा था। वहां के महाराज राजर्षि जनक और उनकी पत्नी सुनैना के सारे परिश्रम असफल हो रहे थे। ऋषि अष्टावक्र के मार्गदर्शन में राजा जनक ने अपने प्रदेश को अकाल मुक्त करने के लिए स्वयं हल चलाने का निर्णय लिया। एक दिन खेत में हल चलाते हुए उनका हल किसी वस्तु से टकराया और जब मिट्टी को हटाकर देखा तो उसमें एक मटका निकला जिसके अंदर से एक लक्ष्मी स्वरूप बच्ची निकली। उस बच्ची के प्रकट होते ही वर्षा प्रारंभ हो गई और कई वर्षों का अकाल मिट गया। राजा जनक ने उस बच्ची को अपनाया और नाम रखा सीता। सीता के जन्म के पश्चात राजा जनक को एक और पुत्री हुई और उनके भाई कुशध्वज और उनकी पत्नी चंद्रभागा के यहाँ भी दो पुत्रियों का जन्म हुआ। माता लक्ष्मी ने राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री सीता के रूप में अवतार ले लिया था। प्रवेश कर चुके थे और राजगुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। वहीं मिथिला में चारों पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति चंद्रमा की कलाओं की भांति बड़ी हो रही थी और अपने पिता की छत्र छाया में ज्ञान अर्जित कर रही थी। देखकर राजा जनक अचंभित रह गए क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं था, वो भगवान शंकर का धनुष था बिना। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी राजा जनक के पूर्वजों को मिली थी। उन्होंने सारी बात रानी सुनैना को बताई और शपथ ली। मैं शपथ लेता हूं जो कोई भी राजकुमार इस शिव धनुष का संधान कर पाएगा वही सीता के लिए योग्य वर होगा और उसी से सीता का विवाह होगा। कुछ वर्षों पश्चात चारों भाई गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या लौट आए। Please, sir. 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 Please, sir.
बाहर जाके चला।